सच बेनकाब होगा, सबूत खुद बोलेंगे, प्रमाण के साथ हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उस सेलिब्रिटी की जो हमारे देश का तो नहीं है लेकिन यहां भी उसका दर्जा किसी सुपरस्टार से कम नहीं है और अब उस सुपरस्टार के हुनर को दुनिया भी सलाम कर रही है। के लंबे इंतजार के बाद I will teach you real kung fu. 200 फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाने के बाद आखिरकार अब जाकर जैकी को मिला चैन। स्टंट के सबसे बड़े बादशाह को, एक्शन कॉमेडी के सुपरस्टार को मिला है दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान। जैकी को मिला है ऑस्कर अवार्ड। जैकी को मिले ऑस्कर सम्मान पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीबीएसई ने 2017-18 से दोबारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू की। देश भर के एयरपोर्ट पर 21 नवंबर तक पार्किंग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। रेलवे, पेट्रोल पंप, अस्पताल समेत दूसरी सरकारी सुविधाओं में 24 नवंबर तक चलेंगे पुराने नोट तो नेशनल हाईवे भी 18 तक टोल फ्री। पंजाब के तरनतारन में 2000 रुपए के नकली नोट छापते दो आरोपी प्रिंटिंग मशीन समेत गिरफ्तार। नोटबंदी पर पीएम ने कहा कि उनकी कड़क चाय से बिगड़ा काले धन वालों के मुंह का स्वाद। संसद सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस और वामपंथी समेत तमाम विरोधी दलों ने बैठक की। तो अभिनेता जैकी चैन की हम बात कर रहे हैं, उनको सिनेमा में बेहतरीन काम के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अलग तरह के एक्शन और कॉमेडी के जरिए दुनिया भर में पहचान बनाने वाले जैकी ने इस सम्मान के लिए अपने सभी चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जैकी ने बताया कि ऑस्कर को हासिल करना एक सपने के सच होने जैसा था। ये रफ्तार, ये स्टाइल, ये फुर्ती, गिरना, गिरकर उठना, कभी दुश्मन को पीटना, कभी दुश्मन से मार खाना, मार्शल आर्ट के नए नए दांव पेच, बड़े बड़े हथियारों का मुकाबला हाथ आई किसी छोटी चीज से करने का हौसला, मुसीबत में भी हंसना और दर्शकों को हंसाना, जब चारों तरफ से घिर गए तो वहां से निकल भागना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इतने सारे रंग अगर दुनिया के किसी एक एक्टर में मौजूद है तो उसका नाम है जैकी चैन। सुपरस्टार जैकी चैन, हांगकांग के इस एक्टर को दुनिया का हर सिनेमा प्रेमी पहचानता है क्योंकि जो बात जैकी चैन की फिल्मों में नजर आती है वो किसी और की फिल्म में दिख ही नहीं सकती। जैकी चैन की इसी खासियत को सम्मान देने के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। Academy Award. I still can't believe I'm standing here. It's a dream. Long time ago, every year when I watch Oscar with my dad, sometimes with my mom, my dad always said, son, you get so many movie awards in the world, when are you get one of these? Then I just look at my dad, ha ha ha. Dad, I only make comedy action movies. जैकी चैन को लॉस एंजलिस के हॉलीवुड एंड हिंगलैंड सेंटर में आयोजित 8वें एनुअल गवर्नेंस अवार्ड के दौरान मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिनेमा में बेहतरीन काम के लिए ऑस्कर की ओर से हर साल 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है।
कुछ साल पहले तक ये सम्मान भी एकेडमी अवार्ड्स के साथ ही दिया जाता था, लेकिन अब सिनेमा के दिग्गजों को सम्मानित करने के लिए इसका आयोजन अलग से किया जाता है। सम्मान लेने के बाद जैकी चैन के चेहरे पर वही मुस्कान दिखी जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। After 56 years film industry, making more than 200 films, I broke so many bones. Finally, this is mine. वैसे तो जैकी चैन ने अपनी जिंदगी में हजारों अवार्ड लिए हैं, लेकिन ऑस्कर अवार्ड उनके लिए क्या मायने रखता है ये उन्होंने एक कहानी के जरिए बताया। करीब 23 साल पहले वो अपने दोस्त हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टालोन के घर गए, तो वहाँ ऑस्कर अवार्ड को छूकर उन्होंने देखा। तब से सुनहरे रंग की मूर्ति को अपने घर ले जाने की तमन्ना उनके मन में बसी हुई थी। Many years later, I come to Hollywood, meeting with some big studio director, my friend's house, Stallone's house. That was 23 years ago. I see these little things in his house. I touched it, I kissed it, I smelled it. I believe still have my fingerprints in. They keep it. Then I talk to myself, I really want one. 65 साल की जैकी चैन 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अपनी फिल्मों में उन्होंने एक्शन और कॉमेडी का ऐसा तड़का परोसना शुरू किया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाता था। I will teach you real kung fu. जिस दौर में जैकी चैन ने फिल्मों में काम शुरू किया, उस वक्त एक्शन स्टार सिर्फ गंभीर भूमिकाएं करते थे। लेकिन जैकी चैन ने एक्शन सीन में कॉमेडी करना शुरू किया और दर्शकों ने इस प्रयोग के लिए उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। हालांकि ये काम पर्दे पर जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। अपने स्टंट खुद करने वाले जैकी ने कई बार अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं, कई बार जान जोखिम में डालकर स्टंट किए हैं और अब भी वो इसे कायम रखना चाहते हैं। I have a reason continue to make movies, jumping a window, kicking and punching, keep breaking my bone. Thank you so much. Thank you, Oscar. जैकी चैन सिर्फ पर्दे पर ही इतने साफ दिखते हो ऐसा नहीं है। असल जिंदगी में भी वो एक ऐसे शख्स हैं कि उनसे एक बार मिलने वाला उनका मुरीद हो जाए। ऑस्कर के मंच पर भी जैकी की सादगी का एक रंग दिखा। अवार्ड के लिए जब उन्होंने अपने परिवार और अपने दोस्तों का शुक्रिया करना शुरू किया तो बीच में ही नाम भूल गए, लेकिन जाते जाते उन्हें कुछ याद आया तो वो है सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर में फैले उनके फैंस। जैकी चैन को ऑस्कर मिलने पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। दरअसल स्टंट के सुपर किंग का हमारी इंडस्ट्री से भी गहरा नाता है। भले ही उन्होंने किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया हो, लेकिन बॉलीवुड के कई सितारे उनके साथ काम कर चुके हैं और कई हैं जो उनके साथ काम करना चाहते हैं, और इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में भी उनके चाहने वालों की तादाद करोड़ों में है। Hello? Yes, this is Jackie speaking. उनका एक्शन आपको रोमांच से भर देता है। उसके डायलॉग सुन आप जोश में आ जाते हैं। उनकी कॉमेडी देख आप खिलखिलाने लगते हैं। वो जब गाता है लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी मार्शल आर्ट का जानकार, एक्टर, स्टंट मास्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक ही शख्स के अलग अलग अंदाज, और हर अंदाज में सबसे माहिर जैकी चैन की शख्सियत के अलग अलग पहलुओं को देखने के बाद ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये सब करते हुए उन्हें 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी वो उतनी ही ऊर्जा से भरपूर नजर आते हैं जितने वो जवानी के दिनों में थे।
बढ़ती उम्र के साथ जैकी चैन ने फिल्मों में अपनी भूमिकाएं भले ही बदल ली हों, लेकिन अभी भी वो अपनी फिल्म के हीरो ही होते हैं। फिल्म द कराटे किड में उन्होंने एक ऐसे मार्शल आर्ट टीचर की भूमिका निभाई जो अमेरिका से चीन आए एक बच्चे को ट्रेनिंग देता है। इस बदली हुई भूमिका में भी जैकी चैन ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, क्योंकि इसमें उनकी पहले की फिल्मों की तरह ना तो उनके खतरनाक स्टंट थे और ना ही कोई कॉमेडी थी। लेकिन इससे पहले जैकी चैन की फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसके जरिए उन्होंने दुनिया भर के दर्शकों पर अपनी अनोखी छाप छोड़ दी। हालांकि उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत चीन के सुपरस्टार ब्रूसली की फिल्मों में एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर की थी, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ब्रूसली के बाद जैकी चैन फिल्मों में मार्शल आर्ट को एक नया मुकाम दिला देंगे। दरअसल जैकी चैन ने ही ब्रूसली के बाद चीनी सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसे दुनिया भर के सिनेमा के बीच अलग पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, हांगकांग में जन्मे जैकी चैन की वजह से खुद उनका शहर एक अलग फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर खड़ा हो गया। आज जैकी चैन एशिया के सबसे बड़े स्टार हैं, इतने बड़े कि हॉलीवुड का बड़े से बड़ा कलाकार उनके साथ काम करने को बेताब है। अभिनेता क्रिस टकर ने जैकी के साथ फिल्म रश आवर में काम किया। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इसके बाद इसका सीक्वल भी बना। ऑस्कर अवार्ड के दौरान क्रिस टकर ने जैकी चैन के साथ काम करने को लेकर अपनी यादें साझा की। Working with Jackie got me global notoriety too from the Rush Hour movies you might have seen. Automatically working with a global star like Jackie Chan. So I was blessed. And I thank you for that, Jackie. Thank you for blessing me on that. Let's beat him up first. अभिनेता ओवन विल्सन के साथ उन्होंने फिल्म शंघाई नून और शंघाई नाइट्स में काम किया। भारत में भी उनकी हिंदी में डब फिल्मों का बड़ा बाजार है। अभी भी टीवी पर उनकी पुरानी फिल्मों का डब वर्जन अच्छा कारोबार करता है। ड्रंकन मास्टर, स्पिरिचुअल कुंग फू, ड्रैगन फीस्ट, पुलिस स्टोरी, अमर ऑफ गॉड, द मेडालियन, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, द फॉरबिडन किंगडम, इनमें से कई फिल्मों के सीक्वल भी बने हैं और हर फिल्म के साथ उन्होंने अपने दर्शकों को कुछ नया पेश किया। हिंदुस्तान से लेकर हॉलीवुड तक दर्शकों को उनकी फिल्मों का आज भी बेसब्री से इंतजार रहता है। जैकी चैन ने हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री मल्लिका शेरावत को लेकर एक फिल्म भी बनाई थी। द मिथ नाम की ये फिल्म ज्यादा कारोबार तो नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म ने हिंदुस्तान से उनके गहरे लगाव को साफ कर दिया। यही वजह है कि जैकी चैन को ऑस्कर मिलने की चर्चा हिंदुस्तान में भी हो रही है, क्योंकि एक एशियाई कलाकार का ये सम्मान मिलना बड़ी बात तो है ही, इससे भी बड़ी बात ये है कि ऑस्कर अवार्ड उस शख्स को मिला है जो हिंदुस्तानी पर्दों के लिए कोई अजनबी नहीं है। छोटे कद का ये बड़ा कलाकार हर हिंदुस्तानी सिनेमा प्रेमियों के लिए खास है, क्योंकि उनकी फिल्में खास है, उनका स्टंट खास है, उनकी कॉमेडी खास है। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात जैकी चैन की कर रहे हैं। वर्ल्ड सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाने वाले जैकी, ऑस्कर उनको मिलना सिर्फ उनके अभिनय का ही सम्मान नहीं है, बल्कि इससे उनके उन कामों को भी नई पहचान मिली है जो असल जिंदगी में करते हैं। एशिया का ये सबसे बड़ा सुपरस्टार कई तरह के सामाजिक कामों से भी जुड़ा हुआ है। फिल्मी पर्दे का ये नायक असल जिंदगी में भी किसी हीरो से कम नहीं। फिल्म में जैकी चैन को आपने एक साथ 20-20 गुंडों से भरते देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में भी जैकी बुराइयों से लड़ते रहे हैं। हालांकि उनकी फिल्मों के मुकाबले उनके सामाजिक कामों की चर्चा कम ही होती है। जैकी चैन को एक समाज सेवक के रूप में भी पूरी दुनिया सलाम करती है। चैन फिल्मों से मिला खाली वक्त समाज सेवा करने में गुजारते हैं। 1988 में चैन ने जैकी चैन चैरिटेबल फाउंडेशन शुरू किया,
जिसके जरिए वो हांगकांग में युवाओं को स्कॉलरशिप देकर उनके सपने पूरे करने में मदद करते हैं। ये फाउंडेशन आपदा राहत, मेडिकल सुविधाओं के साथ ही गरीबों की मदद भी करता है। 2004 में चेन ने एक और समाज सेवी संगठन ड्रैगन हार्ट फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि चीन के दूर दराज इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों के लिए काम करता है। I'm ready to have everything, but sometimes I sit down. Diamond watch? No. Car? Enough. Women? A lot of trouble. Ah, you're helping people. You see the children smiling. Wow. It makes you comfortable. And suddenly, doing a charity teach me becoming a humble, becoming a good person. चेन कितने दरिया दिल है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चेन ने अपने मरने पर अपनी सारी नकदी दान करने की बात कही है। चेन ने घोषणा की है कि वो अपनी सारी संपत्ति अपने इकलौते बेटे के नाम नहीं बल्कि दान कर देंगे। चेन ने 2010 में हैती भूकंप पीड़ितों के लिए करीब 8 लाख डॉलर दान किए थे। चीन में आई बाढ़ के लिए भी उन्होंने 29 मिलियन डॉलर दान किए थे। 2004 में आई सुनामी के लिए चेन ने अपनी निजी संपत्ति से 5 करोड़ हांगकांग डॉलर दान किए थे। पिछले साल नेपाल में आए भूकंप के दौरान भी चेन ने पीड़ितों से मुलाकात की थी। I just want to tell the people in Nepal, you are not alone. You know, even you are because you are Nepal, I'm Chinese, I don't care. No, I just tell the generous, Nepal also is my country. चेन की निस्वार्थ समाज सेवा के लिए 2006 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 10 सबसे दानी लोगों की लिस्ट में जगह दी थी। उन्हें हांगकांग में भी पुरस्कार से नवाजा गया था। चेन को ये शोहरत विरासत में नहीं मिली, उन्होंने ये सब अपनी मेहनत और प्रतिभा के बूते कमाया है। और इसलिए गरीबी का जख्म क्या होता है ये चेन बखूबी समझते हैं। चेन मानते हैं कि दान करने से हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। चेन यूनिसेफ और यूनी एड्स के गुडविल एम्बेसडर है। जैकी चैन जानवरों के खिलाफ हिंसा और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। सुपरस्टार होने के बावजूद चेन ने कभी अपनी कामयाबी को अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। वो आज भी बिल्कुल सादे और सरल इंसान है। चेन अपनी कार भी खुद पार्क करते हैं। चेन ने कोई बॉडीगार्ड भी नहीं रखा है। मौका कोई भी हो, चेन बिल्कुल सादे कपड़ों में नजर आते हैं। 2015 में फोर्ब्स ने चेन को दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर के तौर पर जगह दी थी। इसके बावजूद चेन को फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनकी सादगी के किस्से सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फोर्ब्स मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, मैं मकाऊ में एमजीएम ग्रैंड के अपने कमरे से एक प्लास्टिक बैग में अपना साबुन लेकर निकल गया था। वो पूरा खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि फेंकूं क्यों। एक किस्सा ये भी है कि चेन खाना खाने के बाद अपने गिलास का बचा हुआ पानी फेंकते नहीं बल्कि पौधों में डाल दिया करते थे। ये बात तब की है जब फिल्म कराटे किट की शूटिंग के दौरान वो विल स्मिथ के घर ठहरे थे। लेकिन शोहरत के साथ साथ चेन की जिंदगी में विवाद भी काफी रहे। चेन की छवि के चलते उन्हें 2009 में चीनी पुलिस ने नार्कोटिक्स कंट्रोल एम्बेसडर बनाया था। लेकिन 2014 में ही उनका अपना बेटा जेसी चेन ही एक प्रतिबंधित ड्रग मैरिजुआना लेते गिरफ्तार किया गया। 6 महीने की जेल भी हुई। इस घटना से चेन की बहुत फजीहत हुई। अपने बेटी की करतूत के लिए भी उन्होंने अपनी परवरिश को ही जिम्मेदार ठहराया था। चेन का नाम पनामा पेपर्स में भी आ चुका है। पेपर्स के मुताबिक चेन की कम से कम 6 कंपनियों ने मोसाक फोंसेका नाम की लॉ फर्म में अपना पैसा लगाया। साल 2014 में चीन के खिलाफ हांगकांग की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर जैकी चेन ने निशाना साधा था। चीनी सोशल वेबसाइट वीबो पर चेन ने लिखा है कि इन प्रदर्शनों से हांगकांग की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन हांगकांग डॉलर का नुकसान हुआ है। हांगकांग के उज्जवल भविष्य के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो समझदारी दिखाएं और भविष्य का सामना करें। इन बयानों को लेकर विदेशी मीडिया में जैकी चेन की जबरदस्त आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने देश के हक में बोलना बंद नहीं किया। भले ही आज जैकी चेन हॉलीवुड फिल्मों के जरिए करोड़ों कमा रहे हों, उनके पास हॉलीवुड फिल्मों की कई ऑफर हो, लेकिन वो आज भी खुद को बड़े फक्र से चीनी बुलाते हैं। ऑस्कर अवार्ड के मौके पर भी वो हांगकांग का आभार जताना नहीं भूले। I want to thank you, Hong Kong, incredible city, my hometown, my hood, who made me China,
my country, proud to be Chinese. दरअसल जैकी चैन जैसे कलाकार किसी एक देश एक सीमा के नहीं होते, उनकी कला सीमा से परे होती है और जैकी को ऑस्कर मिलना उसी हुनर को दुनिया का सलाम है। जैकी को ऑस्कर अवार्ड मिलने के बाद उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी बधाइयां मिली हैं। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट।